नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस चैप्टर में फ्रेंड्स हम लोग मार्केट्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो आपके सोशल और पॉलिटिकल लाइफ की जो किताब है, इसका जो चैप्टर नंबर 7 है, ये बताएगा कि कैसे हम लोग जहाँ पे रहते हैं उसके बगल में हम लोग को किस किस तरीके के मार्केट्स देखने को मिलते हैं, उन मार्केट्स में चीजें कौन कौन से दामों पर बिकती है, और किस तरीके से उस सप्लाई चेन को हम लोग समझेंगे जिस तरीके से वो चीजें मार्केट में आ रही हैं, जहाँ पे वो बन रही हैं वहां से वो मार्केट में आ रही हैं, उनको बेचने में उस दुकानदार का कितना पैसा खत्म हो रहा है, क्या उस पैसे की वजह से, उस इनिशियल इन्वेस्टमेंट की वजह से किसी एक चीज के फाइनल दाम पे कितना फर्क आता है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करके देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स, हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वो तो देख ही सकते हैं, और साथ साथ जो लोग कह सकते हैं कि क्लासरूम एजुकेशन के लिए पढ़ रहे हैं वो भी इस चैप्टर को ठीक से देख सकते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं फ्रेंड्स कि आप वीडियो को लाइक कर दें और फिर फटाक से आगे बढ़ते हैं हम लोग। लाइक कर देंगे तो ये जो मेरा वीडियो है इसको यूट्यूब अपने एल्गोरिथम्स में ज्यादा प्रमोट करेगा, और साथ साथ इन एनसीईआरटी की किताबों को आप एनसीईआरटी की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है, डाउनलोड करके पढ़िए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी किताबें हैं। अब देखिए सामने स्क्रीन में बहुत सारी चीजें दिखा रखी है अलग अलग, जैसे कि एक टेस्टर है ये, ऐसे पेचकस भी ये यूज हो सकता है, फिर यहाँ पे आपको चप्पलें दिख रही है, घड़ा दिख रहा है, कुछ पहनने वाले जो हार गले में चीजें होती है, सीडी शार्पनर, ठीक है, फिर यहाँ पे कुर्सी है, ये पंच करने वाला है, ये माउस है, ये केले हैं, ये कुछ पैकेट है आटा या चावल का। तो इस तरीके की चीजें हम लोग नॉर्मली खरीदते हैं। तो भाई हम लोग मार्केट जाते हैं, मार्केट में सब्जियां हो गया, साबुन, टूथपेस्ट, मसाला, ब्रेड, राइस, दाल, क्लॉथ, नोटबुक, बिस्कुट, ये सब हमारे रोजमर्रा की चीजें हैं, ठीक है। और जब हम अपनी रोजमर्रा की चीजों की लिस्ट बनाते हैं, मान लीजिए कभी आप एक हफ्ते में या दो हफ्ते बाद शॉपिंग करने जा रहे हो, तो ऐसा होगा कि बहुत सारी चीजें घर में खत्म हो जाती हैं, तो लिस्ट होती है काफी लंबी हो जाती है। इनको जब हम बाहर खरीदने जाते हैं तो बहुत अलग अलग प्रकार के मार्केट से खरीदते हैं। इनको हम अपने घर के पास की दुकानों से भी खरीद सकते हैं, हो सकता है हमारे घर के पास से कोई रेडी वाला अपने सर पे एक बक्सा लेके जा रहा हो जिसमें ये सब चीजें हो, वहां से खरीद सकते हैं, एक किसी बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से जाके खरीद सकते हैं, ठीक है। ग्रोसरीज के लिए आजकल एक चीज चल रही है डीमार्ट, तो डीमार्ट में चीजें थोड़ी सस्ती मिलती हैं और भाई बल्क में मिलती है, तो वहां पे जाके आप खरीद सकते हो। एक वीकली मार्केट होता है, वहां पे जाके खरीद सकते हो। डीमार्ट जो छोटे छोटे शहर हैं वहां नहीं मिलेंगे, डीमार्ट आपको बड़े शहरों में ज्यादा मिलते हैं, ओके। तो छोटे शहरों में वीकली मार्केट होते हैं, वहां पे जाके आप चीजों को खरीद सकते हैं। अब हमको समझना यह है कि भाई चीजों को खरीदने वालों का नेचर, चीजों को बेचने वाले का नेचर, कैसे ये चीजें पहुंची उन मार्केट्स में जहां पे लोग जाके इनको खरीदेंगे, और इस पूरे प्रोसेस में किस तरीके की प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। देखिए बहुत सारे मार्केट्स दिख रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपको स्ट्रीट हॉकर्स दिख रहे हैं। स्ट्रीट हॉकर्स क्या होती है, ये लेडीज हैं, ये अपने पोटले में सामान पैक करके लाएंगे। देखिए यहाँ पे कुछ लोग नारियल बेच रहे हैं, कुछ लोग अंगूर बेच रहे हैं, तो ये कंटिन्यूअसली ऑन द मूव होते हैं, ठीक है। कभी कभी ये इसी एक जगह पे परमानेंटली बैठेंगे, कभी कभी अगर वीक में आ रहे हैं तो एक बार बैठेंगे और ये पूरा अपना पोटला उठा के किसी और जगह जाके वहां पे भी चीजों को बेच सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको किताबों की दुकान नजर आ रही है, ये किताबों की दुकान आपको रेलवे स्टेशन के बगल में और किसी बिजी मार्केट में बहुत सारी ऐसी किताबों की दुकानें हमें दिख जाती हैं। नीचे आते हैं, ये कपड़ों की दुकान नजर आ रही है, तो इस तरीके की बहुत सारी दुकानें हम लोग को यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे देखिए सुपर स्टोर, बिग मार्केट, बिग बास्केट, या फिर कहते हैं ना कि जो आपका बिग मार्केट टाइप्स के होते हैं, जो बड़े बड़े जहाँ पे बल्क में शॉपिंग होती है, बिग बाजार टाइप के, कुछ उस तरीके का दिख रहा है आपको। यहाँ पे ये पर्सन दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स को बेच रहा है, यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स बिक रहे हैं, तो इस तरीके की बहुत सारी अलग अलग दुकानें आपको मार्केट में दिख रही है। अब वीकली मार्केट की खास बात करते हैं। देखिए वीकली मार्केट हर जगह पे लगते हैं, चाहे वो अर्बन एरिया हो, चाहे वो सबअर्बन एरिया हो, चाहे वो रूरल एरिया हो, ठीक है। वीकली मार्केट में क्या होता है फ्रेंड्स कि इसे वीकली मार्केट इसलिए कहते हैं क्योंकि दिन के किसी एक दिन ये मार्केट लगेगा, और चूंकि ये वीकली मार्केट आपके परमानेंट नहीं होते हैं इसलिए इनको वीकली कहा जाता है। तो कोई एक ऐसी जगह आइडेंटिफाई कर ली जाएगी, उस जगह पे वीक के किसी एक दिन ट्रेडर्स आसपास से बहुत सारा सामान बल्क लेके आएंगे, वो वहां पे अपनी दुकान लगाएंगे और फिर वहां पे दुकान में बेचेंगे और फिर वहां पे निकल जाएंगे। अब यहाँ पे हर तरीके की चीजें मिलती हैं, डेली प्रोडक्ट्स की चीजें, दूध, दही, वेजिटेबल्स, काम की चीजें, किराने की चीजें, हर चीज मिलती है इन वीकली मार्केट्स में। और वीकली मार्केट्स में जो चीजें होती है ना, थोड़े सस्ते रेट पे मिलती हैं। अब सवाल आता है वीकली मार्केट्स में चीजें सस्ते रेट पे क्यों मिलती हैं। सस्ते रेट पे इसलिए मिलती है फ्रेंड्स, ये लोगों को वीक में एक बार यहाँ पे आना है, फिर जब वीक में ये लोग यहाँ पे आएंगे तो मान लीजिए चार या पांच दुकान वाले इकट्ठा एक ट्रालर बुक करके आएंगे, तो उनके लॉजिस्टिक चार्जेस उसकी वजह से कम हो जाएंगे। फिर इन वीकली मार्केट्स वालों को इस जगह पे दुकान खरीद के नहीं लगानी, तो उस जगह पे दुकान खरीद के नहीं लगानी, बहुत ज्यादा लोगों को एक लंबे समय के लिए एम्प्लॉय नहीं करना है, उनको सैलरी नहीं देनी, तो उसके चक्कर में उसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है, यानी कि उसको उस चीज को ऑपरेशनल करने में जो उसका दाम जुड़ रहा होता है वो कम हो जाता है, तो उस चक्कर में भी उनका खर्चा होता है। तो
तो परमा खर्चा कम होता, तो परमानेंट बिल्डिंग्स में इनको शॉप पे नहीं चलानी, इसलिए एक्सपेंडिचर कम होगा। वहां पे उनको अपनी दुकान में बेचने का रेंट नहीं देना, इसलिए एक्सपेंडिचर कम होगा। किसी तरीके की इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रही, इसलिए एक्सपेंडिचर कम होगा। ज्यादातर केसेस में गवर्नमेंट को फीस भी नहीं देनी पड़ती, इसलिए भी एक्सपेंडिचर कम होगा। वहां परमानेंट एम्प्लॉयज हायर नहीं करने पड़ते, इसलिए भी एक्सपेंडिचर कम होगा। तो इन वीकली मार्केट्स में जो शॉप ऑनर्स हैं उनका खर्चा कम हो रहा है। अब जब वो उनका खर्चा कम हो रहा है फ्रेंड्स, तो ऑब्वियसली वो बेचेंगे भी उसको थोड़े बहुत कम दाम पे। ये जो सामान लेके आते हैं ना, ये सामान अपने घरों से लेके आते हैं। ये सारा सामान बेचने से दो तीन दिन पहले इधर उधर से खरीदेंगे, अपने घर में उसको स्टोर कर लेंगे, और जिस दिन बेचना होगा उस दिन अपने घर से सामान निकाल के सीधे जहां बेचना होगा वहां बेचेंगे और वहां बेच के निकल लेंगे। ओके, फिर ऐसे वीकली मार्केट्स में क्या होता है कि बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत ज्यादा लोग होते हैं बेचने वाले चीजों को। तो ऑब्वियसली बात है वहां पे जो रेट्स होंगे ना बहुत रीजनेबल होंगे। अगर आप लो मत बोलो उनको तो वो रीजनेबल होंगे। यानी कि कोई भी एक ऐसा सेलर नहीं हो सकता जो वहां पे मोनोपोली के साथ चीज महंगी बेचे, वो रीजनेबल रेट पे बेचेगा चीजों को। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिशन है। मान लीजिए एक वेजिटेबल वाला टमाटर 40 रुपए किलो बेच रहा है, और वो 40 रुपए किलो अगर ज्यादा है तो कोई भी बायर अगले एक सब्जी वाले के पास जाके वहां पे 30 या 35 रुपए में टमाटर खरीद सकता है। तो यहाँ पे जो लोग बेच रहे हैं वो रेट्स को थोड़ा कॉम्पिटेटिव रखते हैं, तो आप रेट को चार्ज ज्यादा हाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि बार्गेनिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती है। ओके, तो ये सब चीजें हैं फ्रेंड्स। और चूंकि ये वीकली मार्केट हफ्ते में एक बार बनते हैं, वहां पे इतने अलग अलग तरीके के लोग आते हैं कि आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स वहां पूरी हो जाती है, चाहे ग्रोसरीज हो, वेजिटेबल क्लॉथ, बर्तन लेने हो, कुछ भी लेना हो, आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। और जब वीकली मार्केट्स लगते हैं ना, इन वीकली मार्केट से बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं चीजें लेने के लिए। नॉर्मली देखोगे फ्रेंड्स बहुत जगहों पे क्या होता है कि घरों के पास तो दुकानें होती हैं किराने की, बट उन किराने की दुकानों पे सामान महंगा मिलता है, वो देखेंगे शॉप्स इन द नेबरहुड। तो क्या करेंगे कि वो हफ्ते में एक बार वाले मार्केट में जाके चीजों को लेने का प्रेफर करेंगे, क्योंकि वहां पे उनको चीजें थोड़ी सस्ती मिल जाएंगी। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है भाई, समीर है यहाँ पे इंसान, ही इज अ सेलर ऑफ क्लॉथ्स। समीर एक स्मॉल ट्रेडर है एक वीकली मार्केट में। भाई वो कपड़े खरीदता है एक बड़े ट्रेडर से टाउन में, और उनको 6 अलग अलग मार्केट्स में बेचता है। ओके, जो उसके साथ जो दूसरे क्लॉथ सेलर से वो ग्रुप में चलेंगे, उन्होंने एक मिनी वैन हायर कर रखी है इसके लिए। उसके कस्टमर्स जहाँ पे वो बेचता है वीकली मार्केट में वहां से भी आते हैं, उसके पास के जो गांव है वहां से भी आते हैं। दिवाली पोंगल के टाइम पे इसकी सेल बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये जो समीर आदमी है ना, ये बड़े ट्रेडर से सामान को खरीदेगा और फिर जाके नीचे के लेवल में बेचेगा। ये जो बड़े ट्रेडर से सामान खरीदता है ना, वो बल्क में खरीदता है, क्योंकि बड़े ट्रेडर्स रिटेल कस्टमर्स को एक मीटर कपड़ा या दो कपड़ा मीटर नहीं बेचते। जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं बल्क में क्वांटिटीज को बेचते हैं। अब शॉप्स इन द नेबरहुड की बात कर लो फ्रेंड्स, तो आपने देखा वीकली मार्केट्स वैरायटी ऑफ गुड्स को ऑफर करते हैं, लेकिन हम चीजों को बाकी मार्केट से भी खरीदते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप दूध की बात कर लो, मिल्क की बात कर लो। मिल्क एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि भाई एक लिमिट से ज्यादा अगर आप घर में रखोगे खराब हो जाएगा, तो आप डेली के बेसिस पे मिल्क लाना प्रेफर करते हो। और आप घर के पास आसपास देखोगे कि मिल्क की डेयरी की कुछ डेयरीज होंगी। उसी तरीके से बहुत सी ऐसी चीज होती है, सब्जियां होती हैं, किराने की चीजें हो गई दोस्तों, आटा चावल सब कुछ आपकी जो काम की चीज है वो आसपास की जो दुकानें हैं वहां पे मिलता है। चाहे वो ग्रोसरीज हो, चाहे वो किताबें हो, चाहे वो घर के सामान हो, चाहे वो ईटेबल्स हो, चाहे वो दवाइयां हो। ओके, ये सब चीजें आपको घर के पास मिल जाती हैं। अब ये जो दुकानें होती हैं ना, ये परमानेंट शॉप्स होती हैं। कुछ रोड स्टाइल स्टॉल्स हो सकते हैं, जैसे कि रेडी वाला होता है, फ्रूट बेचने वाला होता है। आप देखते हो कि घर के अगल में एक थाली एक यू नो ठेले पे वेजिटेबल लगा के ये वेजिटेबल्स हॉकर्स बेचने आते हैं, तो इस तरीके से आपको दुकानें मिलेगी। तो ये जो नेबरहुड में आपकी दुकानें होती है ना, यहाँ पे आपको सामान वीकली मार्केट जितना सस्ता नहीं मिलेगा, लेकिन ये बहुत कन्वीनियंट है। क्योंकि अगर कोई वीकली मार्केट आपके घर के पास नहीं है और डेली के बेसिस पे मान लीजिए किसी सामान की एकदम जरूरत पड़ गई, तो आप तुरंत निकल के इन दुकानों से जाके सामान ले सकते हो। तो घर के पास आती है और वीक के किसी भी दिन किसी भी समय पे दिन में आप जाके सामान ले सकते हो। नॉर्मल केसेस में जो बायर है सेलर हो है, वो एक दूसरे को जानते हैं, तो उधार भी चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे सुजाता के केस में इस उधार को समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो उधार को समझाने की जरूरत नहीं, सबको पता ही है। तो सुजाता कविता को उनके घर से भेजा गया ग्रोसरीज लाने के लिए पास की दुकान से। ये पास की दुकान उनके घर के पास है, जो दुकान की जो लेडी है वो उनकी मम्मियों को जानती है। दुकान पे काफी भीड़ है। जब वो वहां पे पहुंची तो दुकान वाली जो ओनर है उसकी दो हेल्पर्स भी हैं। तो जब ये दोनों लड़कियां सुजाता और कविता दुकान पे पहुंची, तो सुजाता को जो उसकी मम्मी ने लिस्ट दी थी सामान लेने के लिए, वो लिस्ट उसने दुकान के ओनर को दे दी। और दुकान के ओनर ने अपनी हेल्पर्स ने कहा कि भैया ये सामान बांध दो। इतनी देर में कविता दूसरा सामान देखने लगी अगर कुछ जरूरत हो। ओके, तो यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके का सामान उसको दिखा। उसको भैया अलग अलग तरीके के डिटर्जेंट केक्स लेके, यानी टिकिया साबुन साफ करने वाला जो टिकिया होती है ना, वो रिन की आती है, सर्फ एक्सेल की आती है, वो सब दिखा।
फिर टूथपेस्ट भी अलग अलग थे, टेलकम पाउडर भी थे, शैम्पू, हेयर और सब अलग तरीके के अलग अलग ब्रांड्स की चीजें रखी थी। देखने में काफी अच्छी लगती है और मन भी करता है खरीदने का। जब छोटे हो तो खासकर खरीदना अच्छा लगता है, भले यूज ना हो तब तब भी खरीदना अच्छा लगता है। 20 मिनट लगभग लग गए, ग्रोसरी सारी पैक हो गई। अब सुजाता एक नोटबुक लेके आई अपने घर से और वो नोटबुक उसने इस दुकान के ओनर को दी। उस दुकान के ओनर ने नोटबुक में पूरा हिसाब लिखा कि भाई ये जो सामान था कितने रुपए का, वो 3,000 रुपए का। और उस दुकान की ओनर लेडी के पास भी एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर ने भी उसने उस सामान की एंट्री की, क्योंकि जब महीना खत्म होगा तो ये अपने रजिस्टर से चेक करेगी ये लेडी जो दुकान की ओनर है कि भाई इसने कितने रुपए का उधार दिया था। और जिन घरों ने सामान मंगाया था ना वो अपनी नेटबुक से देखेंगे और जितना सामान का टोटल अमाउंट होगा वो महीने के शुरुआत में दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से चीजें चलती है नॉर्मल केसेस में। जब आपके घर के पास अगर कोई दुकान हो, अगर दुकान वाले के साथ अच्छे बनते हो तो उधार वगैरह भी चलने लगता है, अगर आप टाइम पे पैसे देने वाले इंसान हो तो। समझ गए? तो यहाँ पे एक इस तरीके का आपको सेलर समझ में आया। अब वीकली मार्केट में ये नहीं हो सकता। वीकली मार्केट में जाओ और वीकली मार्केट में जाके आप बोलो कि भाई अगले वीक में जब आप आओगे तब मैं इस खरीदे हुए सामान का पैसा दे दूंगा, तो वीकली मार्केट वाला आपको सामान नहीं देगा। वहां डेली डेली का हिसाब होता है, चीजें बिकती हैं, खत्म होती हैं चीजें। ओके, जो हमारे घर के पास दुकानें हैं, कुछ परमानेंट दुकानें हैं, उन्होंने दुकान खड़ी कर रखी होगी, वहीं पे रहते होंगे, वहीं पे अपना धंधा करते होंगे। ओके, कुछ लोग हैं जो रोड साइड होते हैं, तो मतलब सब्जी वाली रेडी कभी कभी आपकी कॉलोनी में आई और कभी कभी आपकी कॉलोनी में नहीं आई, तो इस तरीके की चीजें दिखती हैं। तो ये एक एक्सपीरियंस हो गया। अब कविता सुजाता का एक और एक्सपीरियंस देखते हैं। कविता सुजाता एक 5 फ्लोर के शॉपिंग मॉल में गए। शॉपिंग मॉल आज की डेट में बहुत कॉमन साइट हो गया, ठीक है। वहां पे जब अंदर घुसे तो उन्होंने देखा भाई सब कुछ ग्लास का चमचमाता हुआ है, कितनी सफाई है, कितनी अलग अलग तरीके की शॉप्स हैं, ब्रांडेड शॉप्स हैं, लिवाइस की शोरूम दिख रहे हैं आपको, ठीक है। शॉपर से स्टॉप नजर आ रहा है, आइसक्रीम, बर्गर, पिज्जा सब कुछ दिख रहा है, अलग अलग तरीके के फुटवेयर, बुक शॉप सब दिख रहे हैं। जब वो वहां पे सामान को देख रहे हैं तो हर तरीके का जो सामान है वो ब्रांडेड लग रहा है। और जब वो सामान को देख रहे हैं तो उस सामान का जो दाम है ना वो बहुत ज्यादा है। कि मान लीजिए सुजाता ने कोई टी शर्ट देखी और उस टी शर्ट पे जब उसने वहां पे दाम देखा तो 3,000 रुपए था। 3,000 से कम की तो उनको कोई चीज मिल ही नहीं रही। वही टी शर्ट सुजाता को उस वीकली मार्केट में 500 रुपए की मिल सकती है, वही या उसके जैसी। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई जो लिवाइस के कपड़े होते हैं या रैंगलर के जो कपड़े होते हैं, ठीक है, इस तरीके के जो आपके ब्रांड्स होते हैं इनके कपड़े वीकली मार्केट में बिकेंगे, ये तो नहीं बोला जाएगा। लेकिन फिर भी वीकली मार्केट में आपको रीजनेबल कपड़े रीजनेबल दामों में मिल जाते हैं। लेकिन ब्रांडेड मॉल्स में अगर आप इन ब्रांड्स को जाके खरीदोगे तो अक्सर कर बहुत महंगी मिलती है। आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है, ऑनलाइन पे चीजें सस्ती मिलने लगी हैं, बट मॉल में अक्सर कर चीजें बहुत ज्यादा सस्ती नहीं मिलेंगी। तो ये भी एक तरीके का मार्केट है। और ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, शॉपिंग मॉल्स है, ये वीकली मार्केट से किस तरीके से अलग है? देखिए भाई, अब तक हमने वीकली मार्केट्स को देखा जहां पे हफ्ते में एक बार जाके चीजें सस्ते मिलानी है। अपने घर के बगल में जो मार्केट है, दुकानें हैं, रेडी वाले हैं, छोटे छोटे फुटपाथ पे जो लोग बैठते हैं, इनको देखा। आजकल की डेट में जो शॉपिंग का ट्रेंड आ गया वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में आ गया। अर्बन एरियाज में भाई बड़े बड़े मॉल खुल गए हैं। अगर आप कभी नोएडा साइड गए हो, दिल्ली साइड गए हो, तो वहां पे देखोगे सेंट्रल स्टेज मॉल, उसके जस्ट सामने ग्रेट इंडिया पैलेस, भैया बड़े बड़े मॉल हैं ये। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी एयर कंडीशन बिल्डिंग है, बड़े बड़े फ्लोर्स हैं इनके अंदर, दुकानें लोगों ने किराए पर रखी हैं और उस किराए में अपना धंधा चला रहे हैं। अभी जो मॉल ओनर्स हैं ये क्या करते हैं, ये भाई अपनी जो दुकानें होते हैं वो अलग अलग ब्रांड्स को उधार पे देते हैं। तो जैसे शॉपर स्टॉप ने पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा सेक्शन ले रखा है किसी एक मॉल में, अब वो शॉपर स्टॉप वाला इस मॉल के ओनर को किराया देगा। फिर वहां पे यार देखिए, वो एक कॉमर्शियल बिल्डिंग है तो कॉमर्शियल बिल्डिंग में बिजली का बिल भी ज्यादा आता है, किराया भी उसका ज्यादा होता है, उसके जो खर्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो जब ये शॉपर स्टॉप जैसे ब्रांड्स इतना खर्चा करके उस मॉल में एक दुकान लेंगे तो जब वो कपड़े बेचेंगे तो क्या कपड़े सस्ते होंगे? ऑब्वियसली बात है, सस्ते नहीं होंगे, क्योंकि उस पूरे गेटअप को बनाने में, सॉरी उस पूरे सेटअप को बनाने में उनका अच्छा खासा पैसा खत्म हो रहा है। तो जब उस अच्छे खासे पैसे को वो खत्म हो रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है जो वो चीजें बेचेंगे वो भी ऑब्वियसली बात है महंगी होंगी। और मॉल्स में देखोगे तो चाहे वो ब्रांडेड चीज हो चाहे वो नॉन ब्रांडेड चीज हो, दोनों तरीके की चीजें मॉल्स में आपको रेगुलर वीकली मार्केट से महंगी ही मिलेंगी। प्लस ये जो मार्केट्स होते हैं अपना, ये अपना खूब सारा एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट के चलते भी इनके जो कपड़े होते हैं थोड़े महंगे हो जाते हैं, ठीक है। फिर द कंपनीज प्रोड्यूसिंग दीज प्रोडक्ट्स सेल देम थ्रू शॉप्स इन लार्ज अर्बन मार्केट्स एंड एट टाइम्स थ्रू स्पेशल शोरूम्स। एज कम्पेयर टू नॉन ब्रांडेड गुड्स, फ्यूअर पीपल कैन अफोर्ड टू बाय दीज ब्रांडेड गुड्स। खासकर जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं वो ब्रांडेड कपड़े खरीदने
बहुत मुश्किल हो जाते हैं नॉर्मल लोगों के लिए। नॉर्मल लोगों का क्या है कि वीकली मार्केट में गए, 200 रुपए 300 रुपए की अच्छी टी शर्ट खरीद ली, ठीक है। ब्रांडेड में लोग क्या करते थे कि पहले रैंगलर की भाई 3 टी शर्टें आती थी 600 रुपए में, मैं तो बहुत खरीदता था इनको, इस तरीके की चीजें खरीद ली चूंकि सस्ती पड़ी। लेकिन अगर एक टी शर्ट अगर 1000 रुपए की होगी तो एक आदमी सोचेगा, अगर वो पैसे एक लिमिट में कमा रहा है तो, ठीक है। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस आपकी बाकी मार्केट से कैसे हुए ये हमने देखा। अब हम मार्केट्स की चेन को समझते हैं, और चेन को हम समझ के क्या समझेंगे कि भैया सामान किस तरीके से उस फाइनल प्लेस ऑफ सेलिंग पे आ रहा है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के हमने मार्केट्स देख लिए जहां से हम लोग सामान खरीदते हैं, आपका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखा, वीकली मार्केट देखा, और आपका नेबरहुड का मार्केट देखा। इसके जैसे कुछ और छोटे मोटे बड़े मार्केट्स होते हैं फ्रेंड, जैसे विशाल मेगा मार्ट हो गया, बिग बाजार हो गया, डीमार्ट हो गया, अलग अलग चीजें हैं वो आप समझ ही सकते हैं, आपके कह सकते हैं कि विसिनिटी में, नेबरहुड में आपने देखी होगी। अब देखिए आपको क्या लगता है कि जो शॉप ओनर्स इन दुकानों में अपना सामान बेच रहे हैं कहाँ से बेच रहे हैं? अब सामान है किराने का, ये कहाँ बनता है? ऑब्वियसली बात है फैक्ट्रीज में बनता है फ्रेंड्स। अगर खाने पीने की चीज हो तो फार्म्स, वेजिटेबल्स फार्म्स में ग्रो होंगे, ठीक है। अब जब कोई चीज फैक्ट्री में बनी या फार्म में ग्रो हुई तो क्या आप फैक्ट्री और फार्म में खरीदोगे? मान लीजिए आप किसी फैक्ट्री ओनर के पास जाते हो, और मान लीजिए ये जो फैक्ट्री वाला है वो बैग बनाता है, लेदर बैग्स बनाता है। अब अगर कोई एक इंडिविजुअल लेडी जाके फैक्ट्री ओनर से कहेगी भाई मुझे एक बैग लेना, तो फैक्ट्री ओनर उसको एंटरटेन नहीं करेगा क्योंकि वो बल्क में डीलिंग कर रहा है। फैक्ट्री ओनर एक ट्रेडर से डील करेगा, वो ट्रेडर भैया लॉट में बैग को खरीदेगा, 500 बैग 1500 बैग इकट्ठे खरीदेगा। वो ट्रेडर एक छोटे ट्रेडर को देगा उन बैग्स को, और वो छोटे ट्रेडर जाके अलग अलग मार्केट्स में उन बैग को डायरेक्टली बेचेंगे। तो इस तरीके से चेन बनती है। हम जो रिटेल कस्टमर्स है जो एंड में सामान को खरीदते हैं, यानी 1 किलो प्याज खरीद लिया, 2 किलो चीनी खरीद ली, 1 लेदर बैग खरीद लिया, ठीक है। अब हम जैसे लोग जाके 10 लेदर बैग थे ना खरीदेंगे, एक बैग खरीदेंगे, तो उस एक बैग को खरीदने के लिए हम छोटे से मार्केट में जाते हैं, तो हम बन जाते हैं क्या? हम बन जाते हैं रिटेलर। उसी तरीके से जो बड़ी फैक्ट्रीज होती है, बड़े फार्म्स होते हैं, ये फार्म्स भाई ये नहीं चाहते हैं कि कोई एक रिटेलर आके उनसे खरीदे, या कोई स्मॉल क्वांटिटीज में खरीदने वाला आदमी उनसे आके खरीदे। यानी 1 किलो वेजिटेबल कोई फार्म ओनर आपको नहीं बेचेगा, 1 प्लास्टिक मग कोई मग की फैक्ट्री बनाने वाला ओनर आपको नहीं बेचेगा, वो बल्क में उन चीजों को बेचेगा। इसीलिए जो लोग बना रहे हैं जिनको आप प्रोड्यूसर्स बोलते हो, और जो लोग फाइनली कंज्यूम कर रहे हैं जिसको आप रिटेलर्स बोलोगे, उनके बीच में कुछ मिडिल मैन होते हैं, कुछ दलाल होते हैं जिनको बोला जाता है ट्रेडर्स। और ये ट्रेडर्स चीजें सस्ती खरीदते हैं, महंगी बेचते हैं, और उसमें अपना प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। बिजनेसमैन कह सकते हो आप इनको छोटे लेवल का। तो देखिए द होलसेल वेजिटेबल होलसेल ट्रेडर विल नॉट बाय अ फ्यू किलो वेजिटेबल, ऑब्वियसली बात है वो कुछ किलो वेजिटेबल नहीं खरीदेगा, वो 25 से 100 किलो वेजिटेबल्स खरीदेगा और जाके फिर मार्केट में बेचेगा। कोई बहुत बड़ा ट्रेडर है तो वो 1000 किलो वेजिटेबल्स खरीदे, 1000 किलो आलू खरीद ले, 1000 किलो आलू को फिर वो 50-50 किलो करके छोटे ट्रेडर्स को बेचे, और फिर इन दो टर्न्स वो छोटे ट्रेडर जाके मार्केट में चीजों को बेचेंगे। तो एक लंबी चेन बन जाती है मार्केट में, और इस चेन के थ्रू एक सामान जहां से प्रोड्यूस हो रहा है और वही सामान जहां बिकेगा इस चेन के थ्रू वो पहुंचता है। द ट्रेडर हु फाइनली सेल्स दिस टू द कंज्यूमर इज रिटेलर। ओके, अच्छा एक चीज और फ्रेंड्स, रिटेलर हो सकता है बीच में थोड़ा बोलने में गलती करती हो, जो लास्ट ट्रेडर इस चीज को बेचेगा उसको बोलेगा द ट्रेडर हु फाइनली सेल्स दिस टू कंज्यूमर। हम जब चीज खरीद रहे हैं तो हम कंज्यूमर हुए, और हम जिससे खरीद रहे हैं वो रिटेलर हुआ, मतलब इस चेन में जो आखिरी बेचने वाला है वो रिटेलर हुआ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग मतलब एपीएमसी की जो मंडियां होती है उस मंडी में गए, ठीक है। तो मान लीजिए कि नवी मुंबई की वाशी की मंडी है, उस वाशी की मंडी में आप गए। अब उस वाशी की मंडी में भी 5 अलग अलग मार्केट्स होंगे, एक मार्केट गेहूं चावल का होगा, एक मार्केट आपका मसालों का होगा, एक मार्केट आपका वेजिटेबल्स का होगा, एक मार्केट आपका फ्रूट्स का होगा। तो इस तरीके के वहां पर बहुत सारे सारे मार्केट्स होते हैं, और उस मार्केट में सब बल्क बेचने वाले आते हैं। तो मान लीजिए कोई वेजिटेबल वाला उस मार्केट में क्या होगा कि पास के फार्म में किसी किसान ने आलू की खेती कर रखी है, तो उसने जबरदस्त तरीके से आलू उगाए और उसके 500-600 किलो आलू उगे फसल में। अब वो 500-600 किलो आलू या तो उस किसान के पास पैसा होगा तो वो वैन लेके इस मंडी में बेचने आएगा, नहीं तो कोई दूसरा मिडलमैन उस आलू जिसने प्रोड्यूस किए किसान से उसको आलू खरीदेगा, वैन में पैक करेगा और एपीएमसी मंडी में लेके आएगा। अब इस एपीएमसी मंडी में आलू बिकेंगे, तो उसके पास वो 600 किलो जो आलू बने वो 600 किलो का एक लॉट है। अब वो लॉट और भी बहुत सारे लोग आलू बेचने आए होंगे वाशी की एपीएमसी मंडी में, तो वो आलू इकट्ठा होगा, फिर अलग अलग जगहों पे वो आलू बिकना शुरू होगा, इनकी बोलियां लगती हैं, ठीक है ना।
फिर वो आलू लॉट में बिकेगा। अब तो मान लीजिए कोई दूसरा ट्रेडर आया और उस दूसरे ट्रेडर ने 300 किलो आलू खरीद लिया, अब वो दूसरा 300 किलो आलू वो अपनी लोकैलिटी में लेके गया, उस लोकैलिटी में चार पांच सब्जी रेडी वाले हैं, वो रेडी वाले आए और किसी रेडी वाले ने 50 किलो, किसी रेडी वाले ने 40 किलो, किसी रेडी वाले ने 60 किलो आलू इस ट्रेडर से खरीद लिया। फिर मान लीजिए एक रेडी वाला जिसने 60 किलो आलू खरीदा है, वो 60 किलो वाला फाइनली उस अपनी रेडी को लेके अपने किसी कॉलोनी में घूम रहा है, कॉलोनी में वहां पे लोग उससे आलू खरीद रहे हैं। तो वो जो लास्ट इन चेन है ना, जो जो ट्रेडर, जो सेलर लास्ट इन चेन होगा, उसको आप बोलोगे रिटेलर। ओके, तो द ट्रेडर हु फाइनली सेल्स टू दिस कंज्यूमर इज रिटेलर। और ये ट्रेडर वीकली मार्केट का भी हो सकता है, हॉकर भी हो सकता है, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, एक शॉप में भी हो सकता है, आपके नेबरहुड में कहीं भी हो सकता है। तो ये होता है रिटेलर। अगर पहले कहीं गलती से स्लिप ऑफ टंग हो गया तो उसके लिए आई एम सॉरी। आगे चलते हैं, इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। हर सिटी में भाई होलसेल मार्केट्स होते हैं। यहाँ पे पहले, अभी तो मैंने होलसेल मार्केट को आपको पूरा एग्जांपल दे दिया, तो वही चीज है। यहाँ पे पहले गुड्स आएंगे, फिर दूसरे ट्रेडर्स को होंगे, फिर वो ट्रेडर्स जाके दूसरे ट्रेडर्स को बेचेंगे, और फाइनली एक रिटेलर होगा जो फाइनली जाके गुड्स को कंज्यूमर के पास बेचेगा। तो बहुत सारे रिटेलर्स अलग अलग हो जाते हैं। ओके, पर पूरी चेन बन जाती है। जब हम कोई चीज को खरीदते हैं ना, तो हमको पता नहीं होता कि कितनी लंबी चेन ऑफ मार्केट्स होती है जिसके थ्रू ट्रेवल करके ये गुड्स हम तक पहुंचे होते हैं। अब यहाँ पे आफ्ताब की कहानी है, इस कहानी को भी एक बार देख लेते हैं। आफ्ताब द होलसेलर इन द सिटी। आफ्ताब एक होलसेल ट्रेडर है जो बल्क में परचेज करता है। तो उसका बिजनेस लगभग 2 बजे शुरू होता है मार्केट में, जब वेजिटेबल्स मार्केट में पहुंचते हैं। एपीएमसी मंडी में सुबह 2 बजे वेजिटेबल्स पहुंच जाते हैं। ये वेजिटेबल्स दूर दूर से आ रहे होते हैं, दूर दूर के गाँव के पास में कोई गाँव है वहां पे आते हैं ये जो वेजिटेबल्स, वो ट्रक्स में या बड़ी बड़ी गाड़ियों में आएंगे, और वहां पे फिर वेजिटेबल का ऑक्शन शुरू होगा। और उस ऑक्शन में आफ्ताब पार्टिसिपेट करता है, और इस ऑक्शन में वो वेजिटेबल्स खरीदेगा। मान लीजिए उसने 5 क्विंटल कॉलीफ्लावर खरीदा, 10 किलो प्याज खरीदा, तो 5 क्विंटल इसने गोभी खरीदा, 10 किलो प्याज खरीदा, 10 क्विंटल प्याज खरीदा। अब 5 क्विंटल गोभी और 10 क्विंटल प्याज इसने खरीद रखा है। ओके, 1 क्विंटल 100 किलो का है, तो 1000 किलो प्याज खरीद रखा है, 500 किलो इसने कॉलीफ्लावर खरीद रखा है। तो ऑब्वियस बात है, अब ये इनको छोटे छोटे हॉकर्स और शॉपकीपर्स को बेचेगा। ठीक है, तो यहां से ये जो चीज है, ये हॉकर्स और शॉपकीपर्स को बेचना शुरू करेगा। ये हॉकर्स और शॉपकीपर्स इसी एपीएमसी मंडी में सुबह 6 बजे के लगभग आते हैं, क्योंकि ये हॉकर्स और शॉपकीपर्स इस एपीएमसी मंडी से सामान खरीदेंगे सुबह, और फिर ये लेके निकलेंगे इसको बेचने के लिए अपनी अपनी कॉलोनी। तो इस एपीएमसी के मार्केट में भी बहुत सारे अलग अलग लेवल है। पहले एक पूरा बल्क विक्रेता होगा जो कि ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके चीजें खरीदेगा, और फिर वो छोटे छोटे विक्रेताओं को बेचेगा। और इसमें काफी पॉलिटिक्स होती है दोस्तों, मतलब कुछ ऐसे बड़े यहाँ पे ऑक्शनियर्स होते हैं, विक्रेता होते हैं, जिन्होंने इस मार्केट को कैप्चर कर रखा है, तो जल्दी दूसरे को आने भी नहीं देते अपनी जगहों पे। हर जगह पे पॉलिटिक्स होती है, यहाँ पे भी उतनी होती है। तो देखिए, मार्केट्स हर जगह दिख रहे हैं, हमने अलग अलग तरीके के मार्केट्स देखे जहाँ पे अलग अलग वैरायटी के गुड्स और सर्विसेज बिकते हैं। ठीक है, ये मार्केट्स किसी एक स्पेशल लोकेलिटी में काम करते हैं, किसी पर्टिकुलर मैनर या टाइम पे काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आ गया कि हर बार आपको चीज खरीदने के लिए किसी एक मार्केट में जाना पड़े। कभी कभी क्या होता है कि आप फोन पे ऑर्डर प्लेस कर देते हो या इंटरनेट पे ऑर्डर प्लेस करते हो, चीजें आपके घर पे आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, बिग बास्केट। बिग बास्केट अपनी ऐप चला रहा है, बिग बास्केट की ऐप पे जाइए, अपने कार्ट में चीजें डालिए, बिग बास्केट आपके घर पे चीजें डिलीवर कर जाएगा। ओके, तो इस तरीके की चीजें होती हैं। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारी एप्स खुल गई हैं, उस एप्स में आप जाइए, आप लिखिए कि मुझे कंप्लीट ब्लड काउंट का टेस्ट कराना है। एक आदमी उस ऐप का आपके घर पे आएगा, आपका ब्लड सैंपल लेगा, उस ब्लड सैंपल को वो लेबोरेटरी में लेके जाएगा, लेबोरेटरी में आपका ब्लड का टेस्ट होगा। जब ब्लड की रिपोर्ट आएगी, वो इंटरनेट पर अपलोड कर दी जाएगी, और आपको यूजर नेम पासवर्ड करके कहा जाएगा कि आप लॉग इन करके अपनी ब्लड रिपोर्ट देख सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना कि चीजें कितनी ज्यादा टेक्निकल हो गई हैं। हर चीज को खरीदने के लिए, हर सर्विस को लेने के लिए आपको कहीं जाना पड़े, ये जरूरी नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब तक तो जो हमने मार्केट देखे फ्रेंड्स, वो ऐसे मार्केट जो सीधे सीधे हमको नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसे मार्केट्स होते हैं जिनके बारे में हम ज्यादा अवेयर ना हो। ठीक है, जैसे कि अ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स आर बॉट सोल्ड दैट वी डोंट यूज डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल, अ फार्मर यूजेस फर्टिलाइजर्स टू ग्रो क्रॉप्स, परचेज फ्रॉम स्पेशल शॉप्स इन द सिटी, इन टर्न गेट देम फ्रॉम फैक्ट्रीज, अ कार फैक्ट्री, इंजन, गियर्स। क्या बोलता है बताइए। देखिए, आप मार्केट से सब्जियां खरीद रहे हो, जाके आलू टमाटर प्याज ये सब चीजें खरीद रहे हो। उस सब्जियों को उगाया किसने? किसान ने उगाया। उस सब्जियों को उगाने में किसान ने बहुत सारे इनपुट्स लगाए होंगे। वो इनपुट्स होते हैं आपके फर्टिलाइजर हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए,
ये नॉर्मल केस में आपको पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स की जरूरत पड़ती है, नहीं होती है, बट फिर भी ये फर्जी फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स भी बिकते हैं। हालांकि इन दुकानों पर नॉर्मल लोग जल्दी जाते नहीं, अंटिल अनलेस आपके घर में कोई गार्डन हो और आप खुद खेती बाड़ी करने में इंटरेस्टेड हो, आगू उगाने में इंटरेस्टेड हो, तो भले आप जाओगे ऐसी दुकानों पर, नहीं नॉर्मली ये चीजें भी खरीदी बेची जाती हैं, बट इसमें हम लोग ध्यान नहीं देते चूंकि उतनी नॉर्मल नहीं है हमारे लिए। फिर जब हम लोग, आपके पिताजी के पास कार होगी, आप जॉब करते होगे तो आपने खुद के लिए कार ली होगी, तो आपने तो कार लिया फाइनल प्रोडक्ट, लेकिन उस कार में बहुत इंजन लगा है, गियर लगा है, पेट्रोल टंक एक्सल व्हील लगा हुआ है, ये अलग अलग कंपनी के हो सकते हैं। तो इन अलग अलग कंपनी कार को फाइनली बनाने वाले ने हो सकता है इन प्रोडक्ट्स को अलग अलग कंपनी से खरीदा हो, तो वो भी एक मार्केट है, बट ऐसा मार्केट है जो हमको दिखता नहीं है बट वो है। ओके, क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से आज की डेट में लोग ऑनलाइन परचेजेस करते हैं, क्रेडिट कार्ड ही क्यों यार, भारत पे, पेटीएम, एयरटेल पे, जाने कितने तरीके के तो पेमेंट मैकेनिज्म आ गए हैं, घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन पे करते हैं। फिर मार्केट्स एंड इक्वालिटीज की बात करते हैं। हमने शॉप ओनर्स जो थे वीकली मार्केट में उनको देखा, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में थे उनको देखा, भाई बिल्कुल अलग अलग थे। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और वीकली मार्केट के जो शॉप ओनर्स है अलग है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स थोड़े ज्यादा स्टैंडर्ड हो जाएंगे, वीकली मार्केट थोड़े कम स्टैंडर्ड है। एक वीकली मार्केट वाला जो ट्रेडर है भाई, उसके पास कम मनी है, वो कम मनी पे काम करता है, लेकिन जो मॉल में शॉप ओन करके बैठा है उसके पास ठीक ठाक पैसा होगा स्पेंड करने के लिए, दोनों की कमाई भी अलग अलग होती है। वीकली मार्केट में जो ट्रेडर है हो सकता है वो कम प्रॉफिट कमाता हो, और ऑब्वियसली बात है शॉपिंग मॉल में अगर कोई दुकान लेके बैठा है अगर तो उसकी दुकान चल रही है तो भाई वो ज्यादा कमाता होगा। फिर एक और खास बात है कि वीकली मार्केट में जो चीजें बिक रही हैं उसको ज्यादा लोग खरीद सकते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो बिक रहा है उसको हर कोई नहीं खरीद पाएगा, उसको एक मिनिमम स्टैंडर्ड के लोग ही खरीद पाएंगे। ओके, तो ये तरीके से चीजें काम करती हैं। और मैंने आपको बताया कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में चाहे ब्रांडेड चीज बिक रही हो चाहे अनब्रांडेड चीज बिक रही हो, वो महंगी क्यों होती है, ब्रांडेड चीज है तो जो ब्रांड है उसने अपनी ब्रांड की मार्केटिंग करने में बहुत पैसा खत्म किया है, तो ऑब्वियस ही बात है वो ब्रांड अपनी मार्केटिंग के पैसे भी अपनी कॉस्ट में जोड़ेगा। फिर वही ब्रांडेड शोरूम, जब एक ब्रांडेड कोई कपड़े वाला होगा मान लीजिए वो शोरूम लेगा मॉल में, तो शोरूम पे काफी सारा पैसा खत्म करेगा, फिर वहां पे चीजों को बेचेगा तो ऑब्वियस ही बात उन चीजों का दाम बढ़ जाएगा। कुछ कुछ ऐसा अनब्रांडेड चीजों के लिए भी होता है शॉपिंग मॉल में, क्योंकि शॉपिंग मॉल में आपको दुकान खोलने में, बिजनेस सेटअप करने में पैसा तो ज्यादा लगेगा। अब जब पैसा ज्यादा लगेगा तो आपकी इनिशियल कॉस्ट बढ़ेगी, इनिशियल कॉस्ट बढ़ेगी तो आपको गुड्स की फाइनल कॉस्ट को बढ़ाना पड़ेगा अपना एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मार्जिन रखने के लिए। देखिए शॉपिंग मॉल्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं, जब कमाने लायक हो जाते हैं हम लोग जाके यहाँ से खरीदते हैं, नहीं तो छोटे में तो बस घूमते ही रहते हैं जाके, कहते हैं ना विंडो शॉपिंग टाइप की करते हैं। तो हमने देखा कि कैसे जब एक जगह पे कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है वो दूसरी जगह पे कैसे पहुंच रही है। ओके, और जब चीजें एक लिमिट में बिकने लगती हैं तो इससे क्या होता है कि भैया प्रोडक्शन ज्यादा करो, जब चीज बिक रही चीज की डिमांड हो तो प्रोडक्शन ज्यादा करो, जब प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो भाई ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी अर्न करने के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा पैदा होंगी। एक शर्ट की स्टोरी से ये जो अपॉर्चुनिटीज पैदा होती हैं डिमांड के बढ़ने से वो कैसे इक्वल होंगी या इक्वल नहीं होंगी वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे एक शर्ट के एग्जांपल के साथ, ये यहाँ पे दे रखा है। एक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बता रखा है फ्रेंड्स, गोल नंबर 12 जिसको आप बोलते हो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लागू कौन करता है, इसने इसको आप कह सकते हो कि फोर्सी किया है, तो ये है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। तो यहाँ पे वीकली मार्केट के बारे में देखा, मॉल के बारे में देखा, होलसेल के बारे में देखा और चेन ऑफ मार्केट्स के बारे में देखा। एक डीप इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स, आई होप हल्का फुल्का आइडिया आपको लग गया हो। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए बस एक बार सुन लीजिए, समझ लीजिए, बस उतना इनफ है। कहीं पे अगर कोट करने को आ जाएगा तो कोट कर देगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग में आएगा, काम आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और बिना चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाइएगा।